আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আমি যে ভিডিওটা রিয়াকশন দেবো সেটা হলো ইন্ডিয়া বাংলাদেশ বর্ডার অন হাই অ্যালার্ট আফটার মিলিটারি কপ, রেলওয়ে লিঙ্ক সাসপেন্ডেড উইথ বাংলাদেশ। বাংলাদেশে ইতিমধ্যে যা হয়ে গেল এর জন্য বাংলাদেশ ভারত বর্ডারে যে একটা ঝামেলা হবে এটা কিন্তু বোঝা যেতেছিল, কারণ এতদিন বাংলাদেশ আর ভারতের মধ্যে যে সুসম্পর্ক বজায় ছিল সেটা অনেকটাই ছিল শেখ হাসিনার জন্য। কিন্তু যেহেতু এখন শেখ হাসিনার পতন ঘটছে, এখন ইন্ডিয়া বাংলাদেশের সম্পর্কে কিন্তু এর অনেকটাই প্রভাব পড়বে, এবং সেই প্রভাবটা কিন্তু দেখা যাবে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ বর্ডারেও। এবং প্রশান্ত ধাওয়ান স্যারের এই ভিডিওর টাইটেল থেকে যেটা বোঝা যেতেছে যে বাংলাদেশ আর ভারতের যে রেলওয়ে লিঙ্কটা সেটাও সাসপেন্ড করা হয়েছে, তার মানে ইতিমধ্যে আমরা বুঝতে পারতেছি বাংলাদেশ ভারতের সম্পর্কের মধ্যে হয়তো অনেকটাই এখন দূরত্ব সৃষ্টি হবে। স্বাভাবিকভাবেই শেখ হাসিনা থাকাকালীন বাংলাদেশ আর ভারতের মধ্যে যে চুক্তিগুলো হয়েছিল সেই চুক্তিগুলো এখন আর থাকবে না। তো এখন আমরা জানি না যে বাংলাদেশ ভারতের সম্পর্কটা আসলে কোথায় যাবে, এটা অনেকটা নির্ভর করতেছে বাংলাদেশের নেক্সট সরকার কে হয় সেটার উপর। ইতিমধ্যে কিন্তু বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসেবে প্রধান উপদেষ্টা করা হয়েছে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে। সে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হওয়ার জন্য বাংলাদেশে কিন্তু অনেকটা স্বস্তি ফিরে আসছে, তবে তার নীতিটা এখন কি হয় বিশেষ করে বাংলাদেশ ভারতের সম্পর্কের দিক দিয়ে সেটা এখন দেখার বিষয়। যাই হোক, প্রশান্ত ধাওয়ান স্যারের এই ভিডিওটা আমরা আগে দেখে আসি, স্যার এখানে আসলে কি বলে এই বিষয়টাকে কেন্দ্র করে, তারপর আমরা এই বিষয়ে আরো আলোচনা করব। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू, मैं प्रशांत धवन। बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो आप लोग। यहाँ पर इंडिया इस वक्त बिल्कुल हाई अलर्ट पे है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हमने अलर्ट रखा है। बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास इंडिया ने डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है, बीएसएफ के जवानों की जो भी छुट्टियां थी, जो भी लीव थी, रद्द कर दी गई है। हम एंश्योर कर रहे हैं आज के समय कि बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पे कुछ अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त जो बन चुका है हमें पता नहीं है क्या बांग्लादेश एक डिक्टेटरशिप जनरली बन चुकी है, क्या अब यहाँ पर एक मिलिट्री राज चलेगा और बस एक पपेट गवर्नमेंट बिठा दी जाएगी जिस तरीके से पाकिस्तान में होता है, वी डू नॉट नो। और इसलिए अभी के लिए फॉर द टाइम बी जो भी रेलवे नेटवर्क है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इसे सस्पेंड कर दिया जा चुका है। मैं आपको बता दूं 8 से ऊपर रेलवे लाइन्स है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, सबकी सब इस वक्त सस्पेंड कर दी गई है। जो भी एयरलाइंस है एयर इंडिया की जो भी फ्लाइट्स थी ढाका से दिल्ली तक, जो भी और फ्लाइट्स थी सब की सब सस्पेंड कर दी गई है। इंडिया इस वक्त अलर्ट पे है, आप यही कह सकते हैं। मुझे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ेगा कि भारत सरकार भी बहुत ज्यादा सरप्राइज लग रही है कि यहाँ पर हो क्या गया। अचानक से बांग्लादेश में तख्तापलट होता है, बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट चल रहे थे वो तो चल रहे थे अपनी जगह, न्यूज आ रही थी कि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया, फिर अचानक से न्यूज आती है कि आर्मी चीफ बांग्लादेश के कहते हैं पीएम ऑफ बांग्लादेश को कि 45 मिनट दे रहा हूं, बांग्लादेश छोड़ के निकल जाओ, मैं टेक ओवर कर रहा हूं कंट्री का। और शेख हसीना ने मजबूरी में यही किया, ये दिल्ली में आ गई। शेख हसीना से अजीत डोवाल साहब मिले हैं, पीएम मोदी से भी मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली शेख हसीना। और बाय द वे ये मिलिट्री कू ये हुआ क्यों है बांग्लादेश में, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, मिलिट्री टेक ओवर इन बांग्लादेश, ये वीडियो स्टडी आईक्यू पे आपको मिल जाएगी। इसमें जो रीजंस हैं इस कू के ये हमने डिस्कस किए हैं। और अभी के लिए देखिए ये जो व्यक्ति है यहाँ पर द आर्मी चीफ ऑफ बांग्लादेश वकीर उस जमान, ये मोस्ट पावरफुल आदमी है इस वक्त बांग्लादेश में। नाउ इन्होंने बोला तो है कि मैं बहुत ही जल्द एक इंटरिम सरकार बना दूंगा बांग्लादेश में, मगर वो इंटरिम सरकार किस तरफ झुकेगी, क्या वो बस एक आर्मी की पपेट होगी, आर्मी के अंडर काम करेगी, या फिर एक प्रॉपर गवर्नमेंट होगी, क्या बांग्लादेश में फिर से इलेक्शंस करवाए जाएंगे, नो वन नोज। सिचुएशन इतनी खराब है कि यूएसए ने भी अपने नागरिकों को यह कह दिया है कि आप अगर बांग्लादेश में हैं तो जल्द से जल्द बाहर निकल जाइए। और मुझको यहाँ पर एक बात यह भी ऐड करनी पड़ेगी कि बांग्लादेश की जो आर्मी है इनका इतिहास रहा है, काफी बार इन्होंने अपनी सरकार को ओवरथ्रो करने का प्रयास किया है। 2009 में क्या हुआ था, बांग्लादेश की आर्मी ने, उस वक्त भी शेख हसीना पीएम थी, सरकार को हटाने की कोशिश करी थी बाय फोर्स, इसको कहा जाता है बांग्लादेश राइफल्स रिवोल्ट। उस वक्त भारत सरकार ने कंप्लीट सपोर्ट दिया था शेख हसीना को, भारत सरकार तैयार थी, और कैसे भी करके जो ये बांग्लादेश की मिलिट्री ने अपनी सरकार को उखाड़ने की कोशिश करी थी इसे रोक दिया गया था, और शेख हसीना की सरकार 2009 में बचा ली गई थी। यहाँ पे आप देख पाओगे बीबीसी का आर्टिकल है 2011 का कि 2009 में जो म्यूटनी हुई थी या फिर आप कह लीजिए फेल्ड म्यूटनी, उसको लेकर 800 सैनिकों को कोर्ट में भी ले जाया गया। और उससे पहले भी आप अगर जाओगे तो 1970s 1980s कई बार बांग्लादेश की मिलिट्री ने अपने देश की जो सरकार है, चुनी हुई सरकार, इसको ओवरथ्रो करने की कोशिश करी है। बट इस बार मैं नोट कर पा रहा हूं बांग्लादेश की आर्मी ने टैक्टिक थोड़ा सा चेंज किया है,
इन्होंने जनता को थोड़ा सा आगे कर दिया प्रोटेस्ट के नाम पर और वेट किया कि कब सरकार कमजोर हो जाए, और फिर अचानक से पीएम को बोल दिया गेट आउट ऑफ द कंट्री। अब बांग्लादेश की आर्मी ओवरटेक यहाँ पर कर रही है, और बांग्लादेश की डेमोक्रेसी का इस वक्त क्या हाल है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बांग्लादेश का पार्लियामेंट है, बहुत सारे लोग, ये जो भीड़ है जिसमें प्रोटेस्टर्स भी आप कह लीजिए, ये लोग क्या, ये सारे स्टूडेंट्स तो नहीं लग रहे मुझे, ये जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आई मीन स्टूडेंट्स अपने देश के पार्लियामेंट में जिस तरीके से कर रहे हैं, यहाँ पर वैंडलिज्म किया जा रहा है, काफी जगह चोरियां की जा रही है, ये एक नॉर्मल दृश्य नहीं है। और आप इमेजिन कर सकते हैं बांग्लादेश की मिलिट्री ये सब होने दे रही है, नहीं तो देश के पार्लियामेंट की रक्षा तो बांग्लादेश की मिलिट्री कर ही सकती है ना, इतना तो किसी भी मिलिट्री के पास कैपेसिटी होती है कि लोग अगर पार्लियामेंट की तरफ आ रहे हैं उनको रोक दिया जाए। बट ये आप कह लो इंडिकेशन देता है कि बांग्लादेश की डेमोक्रेसी इस वक्त कहाँ पे है, ये इस वक्त हाल हो चुका है बांग्लादेश के इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस का। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब प्रोटेस्ट तो रिजर्वेशन के अगेंस्ट हो रहा था, उसी की कंटिन्यूएशन है ना जो कोटा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था, देखो बांग्लादेश में रिजर्वेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने बांग्लादेश में बहुत सारा कोटा हटा दिया, मगर उसके बाद भी लगातार जो ये प्रोटेस्ट हुआ है। और सबसे बड़ी बात, शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना के पिताजी, जिनको कहा जाता है बंग बंधु, जिन्होंने मेन रोल निभाया था बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में, बांग्लादेशियों को इकट्ठा करने में, इनके पुतले ऑल ओवर बांग्लादेश तोड़े जा रहे हैं, ये जो दृश्य है इधर आप देख पाओगे, ये एक और दृश्य यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये शेख मुजीबुर रहमान की जो भी कुछ यहाँ पर ये मॉन्यूमेंट है, जो स्टैचूज है उनको पत्थर मारे जा रहे हैं, फिर बुलडोजर से इस तरीके से तोड़ा जा रहा है, ये बहुत कंसर्निंग है। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक नया बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जा रही है कि पुरानी आइडेंटिटी वगैरह सब पीछे कर दो, अब नए तरीके से कंट्री को बनाया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बांग्लादेश के जो आम नागरिक हैं ये समझ पाए कि इनका देश कहाँ जा रहा है, इन्होंने बड़ी मेहनत से पाकिस्तान से भी ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हासिल करी थी, इनकी करेंसी जो है टका ये पाकिस्तानी रुपये से भी आगे निकल गया था, इकोनॉमिकली बांग्लादेश के जो एक्सपोर्ट्स हैं ये भी काफी अच्छा कर रहे थे। अब जिस रास्ते पे ये निकल पड़े हैं, इन्वेस्टर्स ये सब कैसे देखेंगे इसको, इंडिया ने तो वैसे ही अभी रेलवे नेटवर्क सस्पेंड कर दिया है, फ्लाइट सस्पेंड कर दी है, दुनिया ये सब कैसे देखेगी, ऑब्वियसली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की साफ साफ यहाँ पे झलक आती है, एक बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग दृश्य है ये। एंड आई होप के बांग्लादेश की जो जनता है यहाँ पे बहुत ज्यादा सफर ना करे, क्योंकि जिस रास्ते पे ये लोग निकल चुके हैं लगता नहीं है कि लॉन्ग टर्म में इनको फायदा होगा इससे। और अगर यहाँ पे आपका एक सवाल ये है कि बांग्लादेश से अगर मान लो बहुत सारे लोग भारत की तरफ आते हैं, कहते हैं कि हमको शरण दो, हमें बचा लो, जो वहां पे हो रहा है हम उसको लेकर बहुत चिंतित हैं, हम क्या करेंगे, आपको याद होगा वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली कहा था कि अगर बांग्लादेश में आपदा आती है, कुछ दिक्कत आती है, तो वहां से लोग अगर इंडिया की तरफ आते हैं शरण के लिए तो इंडिया में उनको शरण दी जाएगी। नाउ ममता बनर्जी ने भी ये बात अपनी स्टेटमेंट सही कर लिया, ये कह रही है कि विल सपोर्ट वट एवर डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स, और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही स्टांस है भी, सिचुएशन इज वेरी सीरियस जो हम देख रहे हैं बांग्लादेश में, कई दशकों में आज तक नहीं देखा, हमें पता नहीं है कि बांग्लादेश में अब होगा क्या, क्या डिक्टेटरशिप चलेगी, मिलिट्री राज चलेगा, बेसिकली अब यहाँ पर होगा क्या, क्या म्यांमार में जो हुआ था अगर वैसा ही हुआ बांग्लादेश में, बाय गॉड मुझे सच में बुरा लग रहा है, जो इन लोगों ने इकोनॉमिक तरक्की करी थी, जो इतना इतना सारा ये लोग आगे निकल गए थे, सब कुछ मिट्टी हो सकता है, इट इज सैड टू सी। मैं सिंपली यहाँ पर यही कहूंगा होपफुली सिचुएशन बांग्लादेश में कंट्रोल में आ जाएगी, डेमोक्रेसी यहाँ पर रिस्टोर हो जाएगी और मिलिट्री राज लंबे समय तक नहीं चलेगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली आप लोगों से मैं यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा, बांग्लादेश में एक पोर्ट है बंदरगाह, मोंगला पोर्ट, इस टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियोस बना चुका हूँ, आपको बताना है कि मोंगला पोर्ट का एक टर्मिनल, इसके ऑपरेशनल राइट्स हाल ही में किस कंट्री को दिए गए थे। ना मैं ये भी सोच रहा हूँ मोंगला पोर्ट में जो दिए गए थे राइट्स ये भी वापस तो नहीं ले लिए जाएंगे, बहुत सीरियस हो रहा है आज के समय जो बांग्लादेश में जो सिचुएशन है, इट इज वेरी कंसर्निंग। खैर ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, बताइए अभी के लिए टर्मिनल के जो ऑपरेटिंग राइट्स हैं
ये किस कंट्री को दिए गए थे? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, चाइना, यूएसए, इंडिया या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। না, এখানে আসলে অ্যানসারটা তো ইন্ডিয়াই হবে, কারণ ইন্ডিয়াকেই কিন্তু রাইট দেওয়া হয়েছিল মংলা পোর্টের জন্য। কিন্তু হয়তো এটাও সাসপেন্ড করা হইতে পারে যেহেতু সিচুয়েশন এখন পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে গেছে। তবে সত্যি কথা বলতে কি, এই জিনিসটা এক একজন এক একভাবে নিতেছে। অনেকে এইটাকে নেগেটিভ ভাবে দেখতেছে যে বাংলাদেশে বর্তমানে যে সিচুয়েশন চলতেছে এই জিনিসটার জন্য, আবার অনেকে এটা পজিটিভলি দেখতেছে। নেগেটিভলি এই কারণেই দেখা হইতেছে যে বাংলাদেশে এত বড় পরিবর্তন কিন্তু এর আগে কখনোই হয় নাই। কারণ হাসিনা পদত্যাগের পরও যেভাবে হাসিনার যত মন্ত্রী আছে বা পুলিশ বাহিনী আছে তাদের বাড়ির উপর যেভাবে হামলা চলতেছে, প্লাস বঙ্গবন্ধুর যতগুলো মূর্তি আছে সেই মূর্তিগুলো ভাঙা হইতেছে, এই জিনিসগুলো দেখে স্বাভাবিকভাবেই মানুষ একটু নেগেটিভ ভাবেই নেবে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে আমাদের তরুণ সমাজ এই জিনিসগুলো করতেছে কারণ বাংলাদেশটাকে তারা একটা নতুন রূপে দেখতে চায়। বাংলাদেশের তরুণ সমাজ চায় না যে বাংলাদেশের আগের যে আইডেন্টিটি ছিল এবং যে আইডেন্টিটির জন্য বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ ভুগতেছিল সত্যি কথা বলতে গেলে, সেই আইডেন্টিটি তারা চায় না। বরং তারা বাংলাদেশকে নতুন একটা রূপে দেখতে চায়, যে বাংলাদেশে থাকবে নতুন রাজনীতি, নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা, নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, বলতে গেলে পুরো বাংলাদেশটাই চেঞ্জ দেখতে চায় তারা। আর যে কোনো কিছু নতুনভাবে করতে গেলে এটার জন্য তো সময় লাগবে, এটাই স্বাভাবিক। তবে আমরা অবশ্যই আশা করব যেন বাংলাদেশ হয়তো বর্তমানে এই সিচুয়েশনটা হ্যান্ডেল করতে কষ্ট হইলেও ভবিষ্যতে আমরা হয়তো ভালো একটা পর্যায়ে যেতে পারবো। তবে আপনাদের কি মনে হয় এই সিচুয়েশনটার জন্য বাংলাদেশের ভবিষ্যৎটা কেমন হবে? বাংলাদেশের পরিস্থিতি কি আরো খারাপ হবে নাকি বাংলাদেশ আরো উন্নত হওয়ার পিছনে হাঁটবে? সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর এরপর আপনারা কোন ভিডিওর রিয়াকশন দেখতে চান সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে পারেন। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক দিতে ভুলবেন না। আর এরকম সব ভিডিও পেতে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আজ আসি, আল্লাহ হাফিজ।